अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। कलेक्टिवली 24 ऑफिसर शहीद हुए हैं। क्यों ऐसी फिल्म्स करना चाहते थे शाहरुख खान? किसने किया शाहरुख खान को जवान के लिए मोटिवेट? किंग खान बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड के भी काफी पसंद किए जाने वाले एक्टर है। उन्होंने ओवर द इयर्स अपना नाम पूरे इंडिया में बनाया है। एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आके पूरे बॉलीवुड पे राज करने का शाहरुख खान का सफर भी काफी कमाल का रहा है, और यही कारण है कि 57 इयर्स के होने के बाद भी उन्हें रोमांटिक रोल्स ऑफर हो रहे हैं, क्योंकि उनका चार्म ही ऐसा है। उनकी अपकमिंग फिल्म जवान में भी शाहरुख खान रोमांटिक रोल करते हुए नजर आएंगे, जो कहीं ना कहीं फैंस काफी पसंद करते हैं, और एक्चुअली ये बखूबी जानते भी है और फैंस को भी क्लियर है कि जब तक शाहरुख खान ऐसे रोल्स करते रहेंगे, उनके चाहने वाले उनकी फिल्म्स देखते रहेंगे। हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप कब तक रोमांटिक रोल्स करोगे, क्योंकि अब आपकी उम्र भी हो रही है। इसका काफी अच्छा जवाब देते हुए शाहरुख ने कहा कि मेरे फैंस कभी भी मेरी एज के वजह से मेरी फिल्म्स नहीं देखते, उनका मुझसे प्यार है और मुझ पे विश्वास है, इसकी वजह से देखते हैं, और जब तक मुझे ये प्यार मिलता रहेगा मैं ऐसे रोल्स करता रहूंगा। अब ये बात तो साफ है कि शाहरुख आगे भी ऐसे रोमांटिक और लवर बॉय रोल्स में दिखने वाले हैं, लेकिन जवान में उनके रोल को काफी पसंद किया जा रहा है। जवान के प्रीव्यू में उनके यंग एंड डैशिंग लुक ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि 57 इयर्स के होने के बाद भी इतना यंग और डैशिंग दिखना सबके लिए आसान बात नहीं है। इससे पहले भी फैन मूवी में उन्होंने 20 से 22 साल के एक लड़के का रोल किया था, जिसमें उनके एक्सप्रेशन और लुक्स बिल्कुल एक यंग लड़के के जैसे लग रहे थे, लेकिन इस बार रोमांस के साथ साथ फैंस को एक्शन भी शाहरुख की तरफ से देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए सभी फैंस काफी एक्साइटेड है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि उन्हें ऐसे रोमांटिक रोल्स करने के लिए सबसे पहले सलमान खान ने ही मोटिवेट किया था। सलमान और शाहरुख कितने अच्छे दोस्त हैं, ये तो हम सबको ही पता है। लेकिन शाहरुख के लाइफ में एक ऐसा फेज भी आया था जहां उनकी फिल्म ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई थी, तो उसी समय सलमान ने उन्हें रोमांटिक रोल्स करने के लिए मोटिवेट किया, जिसके बाद उन्होंने कितनी कमाल की फिल्म्स दी है ये तो हम सबको ही पता है। DDLJ जब तक है जान कैसी कमाल की फिल्म्स करने वाले शाहरुख को आज भी फैंस उतना ही प्यार देते हैं जितना करियर के स्टार्टिंग में देते थे। वेल, आपको क्या लगता है शाहरुख को कब तक ऐसे रोल्स करने चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर